stutter like that, mother will have to take you to the doctor. She never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. What's the matter? What are you looking so stressed about? Mother, I wish you taught this child not to be appealed on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. He was so big, his hands and his neck, especially his mouth, when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, तुम्हें नहीं पता, इसका क्या मतलब है कि तुम्हें नहीं पता, और अगर तुम इसी तरह से हकलाओगी तो अब तुम्हारी माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा. लेकिन कभी कैजिया पहले तो ऐसे मतलब हकलाती नहीं थी, वो सिर्फ अपने पिता के सामने ही हकलाती थी, क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटा के उनके साथ बात कर पाती थी. फिर उन्होंने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, इस तरह से क्या देख रही हो. मदर उसे कहती हैं, काश मैं इसे सिखा पाती कि इस तरह से ये ना रहे और एकदम धीम एकदम इस तरह से जैसे कि ये अभी कोई सुसाइड कर लेगी. इतनी ढीली बन के क्यों खड़ी रहती है ये. फिर उसे कहते हैं कि मेरा चाय का कप लो और जाओ जाके इसे रख दो ध्यान से. वो उसके पिता इतने बड़े थे, उनके हाथ और उनका गला, उनका मुंह, जब वो बगासी खाते थे तब उनका चेहरा बहुत बड़ा लगता था. वो उन्हीं के बारे में अकेली रहती तो सोचती, और सोचते हुए ऐसा समझती जैसे कि वो कोई बहुत बड़े जायंट थे. जायंट का मतलब होता है कोई बड़ा मानव. फिर उसके बाद ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंट डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक विद फादर एंड मदर. दादी माँ ने संडे की दोपहर को कैजिया को उसके माता पिता के पास भेजा ताकि वो वहाँ बैठ के बातें कर सके. बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफ़ा. लेकिन वो हमेशा अपनी माँ को कुछ पढ़ता हुआ देखती और पिता को हमेशा सोफ़ा पे लेटे हुए देखती. हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन्स, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग. फिर वो देखती कि पिता अपने पैरों को सोफ़ा के अच्छे कुशन्स के ऊपर रखे हुए सोते, अपने मुंह पे रुमाल रखे हुए और खराटे लेते हुए शांति से सोए रहते. द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग, फादर स्ट्रेच आउट ऑन सोफ़ा. हियर इज़ द पिक्चर, हर मदर इज़ रीडिंग, हर फादर इज़ स्ट्रेच आउट ऑन द सोफ़ा एंड शी स्टैंडिंग देयर बिसाइड लुकिंग एट देम. वो वहाँ खड़ी रह के उन्हें देखती रहती.